हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता है। इस हफ्ते में भी हम पहले हफ्तों की तरह बात करने वाले हैं, आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हो, क्या सिम्टम्स इस वीक में आप महसूस कर सकते हो। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, बी आ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर हिट करें। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन तो जरूर हिट कर दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। आपका बेबी का साइज जो है वो लगभग 14 इंच के बीच में है और उसका वेट 900 ग्राम तक वो पहुंच गया है। काफी तेजी से बच्चा अपना वेट गेन कर रहा है। बेबी की हेयरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। अब अगर आप उससे बात करते हो, अपने बेबी से आप उसे टच करते हो, देन आपकी आवाज को वो पहचानने भी लगा है। इसके साथ में जब कोई अचानक से कोई तेज आवाज आती है, कोई बर्तन गिरने की, कोई सीटी बोलने की, तो वो बच्चा एकदम किक भी करता है, आप उसे महसूस भी कर सकते हो। साथ में अगर आपकी वूम में बेबी बॉय है, देन उसके जो टेस्टिस अभी तक पेट में थे, अब वो स्क्रोटम में आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप अपनी बॉडी में क्या चेंजेस फील कर रहे हो और इस वीक के क्या सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। वेल, आपका जो यूट्रस है वो बेली बटन से 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ गया है और इस हफ्ते से हर हफ्ते आपका 0.5 इंच ऊपर यूट्रस बढ़ता रहेगा। वेल, कुछ सिम्टम्स आप जो पहले महसूस कर रहे थे, जिस लाइक आपको सोने में दिक्कत होना, लेग क्रैम्प होना, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, सर में दर्द होना, या फिर आपको जो बैक में पेन हो सकता है, या फिर आपको लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अभी आपके साथ कंटिन्यू रहने वाली है। इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम और आपको हो सकती है, जस्ट लाइक आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जब आपका बेबी ग्रो हो रहा है तो यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो लंग्स के ऊपर आपके प्रेशर डाल रहा है, यानी कि फेफड़ों पर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने की वजह से आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ये प्रॉब्लम रात में ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि जब आप लेटते हो तो यूट्रस ऊपर की तरफ और ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको रात में ठीक से सांस नहीं आप ले पाते हो। तो आपको क्या करना है, आप अपने सर के नीचे एक या दो पिलो रखे सोइए, ताकि आपका जो यूट्रस है थोड़ा नीचे की तरफ रहे और आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपका बीपी अब शूट अप होने लगे, बीपी बढ़ने लगे। पहले जो लास्ट जो ट्राइमेस्टर था उसमें आपका बीपी नॉर्मल रहता था या बीपी लो की प्रॉब्लम आपको रहती थी, लेकिन इस हफ्ते से आपका बीपी बढ़ सकता है। देन आपको उस पर फोकस रखना है, हमेशा उसका जो चेकअप कराते रहना है कि कहीं आपका बीपी जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसके साथ में आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिस लाइक आपके फेस पे स्वेलिंग हो जाए, आपकी हथेलियों पे बहुत स्वेलिंग हो जाए, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो जाए, उसके साथ में सर दर्द लगातार रह रहा है, देन आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और हो सकता है आप कहीं पे कोई चीज रख के भूल जाते हो, तो ये भी कॉमन सिम्टम होता है इस वीक से आपको महसूस हो सकता है कि कहीं पे कोई चीज आपने रखी है और उसको रख के आप भूल गए हो कि आपने उसको कहाँ रखा है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। आप हो सकता है डिप्रेस हो या बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हो, आपको तकलीफें इतनी सारी लगी हुई है, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ, तो इस वजह से ऐसा होना आपके साथ नॉर्मल है। अब हम मूव करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है बी आ मॉम चैनल की तरफ से स्पेशल टिप्स। सबसे पहला टिप्स और हर बात जो मैं बोलती हूं कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% पार्ट जो है वो पानी ही है। आपकी बॉडी में 60% पानी है, आपके ब्रेन में लगभग 85% पानी है, आपके लंग्स में 80% पानी है, आपके ब्लड में 79% पानी है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि आपके लिए पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ में आपको पानी पीते वक्त ध्यान रखना है कि आपको साफ पानी पीना है, क्योंकि अगर आप कहीं भी गंदा पानी या कुछ ऐसा पानी पी लेते हो तो उससे बीमारियां बढ़ सकती हैं, आपको और आपके बच्चों को खतरा हो सकता है। तो आपको या तो फिल्टर वाटर पीना है या फिर बॉइल करके पानी पीना है, ऐसे ही पानी आपको नहीं पीना है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज आपको खुश रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, आपको हाइड्रेट रहना है, डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम आपको काफी ज्यादा चाहिए।
एक्चुअली अगर आप इन सारी चीजों को नहीं लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है आपके बच्चे के साथ में। जस्ट लाइक आपने कभी सुना होगा कि बच्चा लाइक बहुत कम एज है उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे की बहुत कम एज है उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चा डायबिटिक हो गया उसकी बहुत कम एज है। एक्चुअली ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वूम में होता है। एक डॉक्टर ब्रिटिश एपिडेमियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक हाइपोथेसिस की थी जो कि जानी जाती है बार्कर हाइपोथेसिस के नाम से, उन्होंने काफी सारी केस स्टडी की। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का माँ के पेट में वजन कम होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो हाइड्रेट नहीं रहती है, इसके साथ में उनकी स्ट्रेसफुल टाइम पूरा प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, देन बच्चों में फेटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, माँ हाइड्रेट नहीं रहती है, साथ में कभी कभी ब्लड का फ्लो भी कम पड़ जाता है, देन बच्चा जो है वो नेचर कुदरती बच्चा एडॉप्ट करना इन सारी चीजों को सीख जाता है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चला जाता है, वो एडजस्ट करने लगता है, और जितना भी ब्लड आ रहा होता है माँ की तरफ से वो सारा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चला जाता है, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रॉपर जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जितने न्यूट्रिशन उनको मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं, और इन सारी चीजों की वजह से बच्चों का स्ट्रक्चर्स परमानेंटली चेंज हो जाता है, बच्चों की फंक्शनिंग परमानेंटली चेंज हो जाती है, बच्चों का मेटाबॉलिज्म परमानेंटली चेंज हो जाता है। और जब बच्चे का बर्थ होता है उस दौरान जब हम देखते हैं कि हमारे बेबी का वेट बहुत कम है तो हमारी पूरी फैमिली हम सब लोग लग जाते हैं बेबी का वेट बढ़ाने के लिए, लेकिन ये भी बच्चों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है क्योंकि बच्चे ने एडजस्टमेंट कर लिया है कम न्यूट्रिशन के लिए। अब अचानक से आप लग जाते हो बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए जो कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, बच्चे को बहुत कम एज होने पे उसकी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, उसको हार्ट डिजीज हो सकती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, योगा एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना है, आपको जितने भी मिनरल विटामिन आपको कैल्शियम आपको आयरन जो जो चाहिए आपको भरपूर क्वांटिटी में लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती, हमें उन्हें खाने का मन नहीं करता है, वो काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें अपनी बेबी के लिए वो करना होता है, हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो बेबी के लिए जरूरी है, जो उसकी हेल्थ के लिए उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज्यादा वॉमिट होती है तो वो कुछ ही स्पेसिफिक चीजें ही खाती है, तो प्लीज आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक चीज में सारे न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, इसीलिए आपको वो खाना है जो आपके और आपके बेबी के लिए हेल्दी है। अपने टेस्ट को भूल जाइए कुछ वक्त के लिए, बाद में काफी वक्त मिलेगा उसके लिए, सो प्लीज उसको एंजॉय करिएगा। 26 वीक से 28 वीक में बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी कराना जरूरी होती है, जस्ट लाइक आपको यूरिन टेस्ट कराना होगा, इसमें इंफेक्शन ना हो उसका एल्बुमिन चेक करना होता है, शुगर टेस्ट कराना होता है, आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कराना होता है। एक्चुअली अगर आप कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो, कितना भी आयरन ले रहे हो, उसके साथ में आयरन की टैबलेट भी ले रहे हो, तब भी आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से नीचे है, देन आपको जो है डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ पाए, अदरवाइज आप अपनी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। मैंने भी किया था, मेरा 9 हो गया था हीमोग्लोबिन, मैंने 10 दिन के अंदर उसको रिकवर कर लिया था। सो आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी कराना है, इसके साथ में आपको थायराइड का भी टेस्ट कराना है, आपको शुगर का टेस्ट कराना है, शुगर की स्क्रीनिंग भी हो सकती है, और हो सकता है डॉक्टर आपको कोई एक सैशे देती है वो 75 ml का होता है, उसमें पानी में डाल के आपको उसको पीना होता है, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको अपना ब्लड देना होता है जिससे ये पता लग पाए कि आपका शुगर लेवल क्या है, और जब आपका वो जो शुगर स्क्रीनिंग की गई है अगर वो पॉजिटिव रहती है देन आपको GTT का टेस्ट भी कराना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी बॉडी होती है वो कुछ हॉर्मोन्स की वजह से शुगर को ठीक से यूज नहीं कर पाती है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आप जेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपका GTT का टेस्ट, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो आप GTT का टेस्ट करा सकते हो, या फिर डॉक्टर आपको शुगर स्क्रीनिंग के लिए बोलती है देन आपको उसके लिए जाना होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने बेबी का बहुत ख्याल रखिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल, बाय बाय।